पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? होप करता हूं गाइस आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो मैं अपने रूम से शूट कर रहा हूं, तो आज आप सबको पता गाइस कि जो है निर्जला कास्ती, और निर्जला कास्ती के दिन पूरे इंडिया में जो है हिंदूज की तरफ से हर किसी को पानी पिलाया जाता है। तो आज उसी को देखते हुए आज हमने एक छोटा सा स्टेप उठाया जिसमें हम हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटेंगे, और उसी के साथ साथ कोविड का ध्यान रखते हुए हम जो है मास्क सैनिटाइज़र वगैरह भी उनको देंगे, और उनको बताएंगे कि आप प्रिकॉशंस लेकर कैसे आप कोविड से सेफ रह सकते हैं, और आपको भी साथ साथ बताएंगे कि कैसे हम ये सब कुछ करते हैं। और आप भी ये चीज़ें देख के गाइस एक ऐसा स्टेप उठाया करें जिससे आप किसी ना किसी की हेल्प कर सकें, काफ़ी अच्छा लगता है। आप एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, और मेरा ब्लॉग बनाने का ऐसे ब्लॉग बनाने का मेरा एक ही मोटिव होता है ताकि आप सब देख के किसी ना किसी की हेल्प करें, क्योंकि आपको पता है इस टाइम काफ़ी बेरोज़गारी जो है इंडिया में चल रही है, तो जितनी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उतना करें। तो चलते हैं, अब सीधा सारे नीचे वेट करें, अब हॉस्पिटल जाके व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस अब जो है हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पर हम टेबल वगैरह लगा रहे हैं, इसके बाद यहाँ से हम जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह और मास्क वगैरह जो है यहाँ पर सबको बांटेंगे। तो अभी हम जो है वो अपनी कार से सामान निकालने जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और मास्क वगैरह और जितने सैनिटाइजर हैं, और विकास भाई भी आ चुके हैं। और आपको पता है इस टाइम काफ़ी गर्मी होती है उस वजह से, तो हमने सोचा आज सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह और मास्क भी दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बंदे जिनके पास मास्क वगैरह नहीं होते, तो सभी कुछ आज करेंगे। आ चुके हैं तीनों, वहाँ से कुछ मास्क वहाँ पर हो रहे हैं जो लाए हैं घर से। तो हमारी जितनी भी टीम थी वो पूरी टीम आ चुकी है, और अब हम सारा सामान वहाँ रखेंगे। हेलो कैमरे को है कर दे, हेलो। तो अब वहाँ पर हम जो है सारा सेट करेंगे, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं पूरे रजौरी वासियों और देशवासियों को इस निर्जला कास्ती के त्यौहार के ऊपर इनकी गहराई से बधाई देता हूँ। आज निर्जला कास्ती का त्यौहार है, इस त्यौहार के ऊपर पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर जगह लोगों को पानी पिलाया जाता है। आप देखा होगा कई जगह लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, इसी तरीके से हमने भी देखते हुए आज रजौरी GMC के अंदर हमने आज एक स्टॉल लगाया है जिसमें हर चीज लोगों को दी जा रही है, मास्क दी जा रहा है, क्योंकि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सैनिटाइजर वगैरह दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, यहाँ पे बिस्कुट दिए जा रहे, खाने की चीजें दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ कोशिश रहती है कि हमेशा हर लेवल तक जो है
लोगों की मदद की जाए, और इसके साथ साथ हमें कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हुए लोगों को सैनिटाइजर्स भी दिए ताकि ये लोग ना बोलें कि कोविड अभी ख़त्म हो चुका है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और एक इंसानी तौर पर जो हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है उस फर्ज़ को अच्छी तरीके से निभाएँ। और मेरी आप सब लोगों से भी अपील रहेगी जो जो मुझे सुन रहे हैं कि ताकि हम सब लोग मिल के जो है हर एक इंसान की मदद कर सके, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ताकि एक इंसान अब हमने जो है वो मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जितने भी हैं सबको मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सैनिटाइजर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी थी सबको दे दिए, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत थी, गर्मी काफ़ी है जिस वजह से हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सबको बांटी और बिस्किट्स वगैरह। और आज कास्ती का त्यौहार भी है, जिसमें आप सबको पता है कि इंडिया में हर जगह कास्ती में पानी पिलाया जाता है सबको, तो हमने वो देखते हुए भी सबको यहाँ पर पानी भी पिलाया। एक्चुअली अभी गाड़ी ठुकने वाली थी लेकिन बच गई, हमारी गाड़ी थी ना जो यहाँ से वो बंदा गाड़ी लेके जा रहा था तो बच गई। तो पारस कैसा लगा आज, मतलब सबकी मदद करके और क्या क्या किया आज हमने? काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि कोविड पेंडेमिक में हमने जगह जगह जाके जो नेडी लोग थे उनको राशन वगैरह बांटा, बहुत सी जगह गए हम। और आज जो है हमारी टीम यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई थी, यहाँ पर हमने लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिस्किट, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांटे। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ पे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांटे हॉस्पिटल में, जो भी लोग आ रहे थे सबको बांटा वगैरह। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप सब भी किसी न किसी की हेल्प करें इस पेंडेमिक में, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते जितनी भी, हाँ थोड़ा बहुत आपके जितने भी आपसे हो सकता है किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करें। तो गाइस अब हम यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमने यहाँ सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दिया और अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके ब्लॉग देखते हैं आगे आगे कंटिन्यू किया तो ठीक है, नहीं तो एंड कर देंगे। मेरा एक ही मोटिव था इसको बनाने का कि आप किसी ना किसी की हेल्प करें, तो ज़रूर किसी की हेल्प करिएगा। और काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आगे आने वाले हैं, एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी था उस वजह से नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग ही डाल दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार,